नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम. एक लिक्विड कॉलम है तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. पहली बात तो अगर लिक्विड कॉलम बना हुआ है उसको पहले बनाते हैं कैसे होगा. लिक्विड कॉलम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, उसके पास एरिया है और उसको कुछ ना कुछ हाइट है. ये लिक्विड कॉलम है, ठीक है, ये लिक्विड कॉलम है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और एरिया हम कंसिडर करते हैं एरिया ए होगा, ठीक है. अब अगर हमको पूछा गया कि यहाँ पे प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, मीन्स ये जो वॉल है ये लिक्विड ऊपर अगर लग जाएगा तो लिक्विड पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, इसका क्या है एक कुछ ना कुछ हाइट है, ठीक है, तो कितना प्रेशर ये लिक्विड कॉलम जो है इसके लिक्विड के ऊपर ये कॉलम अप्लाई करेगा, उस प्रेशर को फाइंड करना है. सबसे पहले इसका वेट कितना होगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो लिक्विड के ऊपर लगेगा, तो वेट सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, उस वेट को हम लोग फाइंड करेंगे. वेट होता क्या है, मास इंटू जी लिख सकते हैं हम लोग वेट को, मास इंटू जी लिख सकते हैं, ठीक है, मास इनटू जी लिख सकते हैं, क्योंकि F इक्वल्स क्या होता है, M इनटू A के इक्वल होता है, तो V W इक्वल्स का M इनटू G, वहां से हम लोग लिख सकते हैं M इनटू G. अब मास क्या होगा, मास को हम लोग बताओ यहां पे, जैसे यहां पे G लगा हुआ, मास को हम लोग डेंसिटी इक्वल्स, यहां से देखो डेंसिटी इक्वल्स क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो मास इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. डेंसिटी इज द रो और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V, तो V मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग जी. अच्छा वॉल्यूम को और कुछ लिखा जा सकता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट. वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग एरिया इनटू हाइट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी. तो वेट कितना अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, डब्ल्यू को क्या आ जाएगा ए एच रो जी के इक्वल हो जाएगा. हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को प्रेशर फाइंड करना है, और प्रेशर होता क्या है फोर्स अपॉन एरिया, लिक्विड है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया. अच्छा यहाँ पे थ्रस्ट कितना अप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे फोर्स देखो फोर्स W के बराबर होता है, W के इक्वल होता है, अगर ये इसके इक्वल हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर एम जी लिखते हैं, मीन्स एम जी कितना है हमारा ए एच रो जी अपॉन एरिया कितना हो जाएगा ए, ए से ए कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या आ गया प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी. व्हाट इज द एच, एच इज द हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द ग्रेविटी. ये रिलेशन आ गया, इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड कॉलम जब वो रेस्ट पोजीशन पे होगा. तो किस पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर, हाइट पे और डेंसिटी पे, ठीक है. जी तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स वैल्यू रहेगी उस कंडीशन के लिए. नेक्स्ट अनदर केस, इफेक्ट ऑफ जी ऑन फ्लूइड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ जी ऑन फ्लूइड प्रेशर. अगर मान लेते इस तरीके से कोई लिक्विड कॉलम या फिर सिलेंड्रिकल कॉलम अगर हम पानी के अंदर रख देते हैं तो वहां पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. मीन्स वहां पे जी ग्रेविटी भी लग रही होगी, यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है, वहां पे कंडीशन देखेंगे कि लिक्विड कॉलम के अंदर अगर इसको रखा जाएगा तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, एक कंडीशन लेते हैं इस तरीके से, हमने क्या बना दिया इस तरीके से वेसल ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया वेसल हो गया, ठीक है. अब इसके अंदर डालते हैं एक कॉलम, इस तरीके से एक सब्सटेंस या फिर एक कॉलम हमने रख दिया, सिलेंड्रिकल ब्लॉक रख दिया, ठीक है. सिलेंड्रिकल का सिलेंड्रिकल ब्लॉक का मास होगा कुछ ना कुछ जो कि नीचे डायरेक्शन लगेगा एम जी. अब हम लोग अभी पढ़ चुके पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर रखा जाएगा तो क्या होगा, अगर पानी के अंदर उसको हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर चारों साइड से प्रेशर अप्लाई होगा, मीन्स ऊपर से भी प्रेशर अप्लाई होगा और नीचे से भी प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई होगा. कितना प्रेशर होगा, मान लेते ऊपर की तरफ से प्रेशर है पी वन, नीचे की तरफ से प्रेशर कितना जा रहा है ऊपर पी टू, इसका एरिया कुछ ना कुछ मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, ए एरिया है. अब यहाँ पे फाइंड करेंगे चारों साइड से, इस साइड से भी प्रेशर लगेगा, ऐसा नहीं कि इधर नहीं लगेगा, इधर से भी लगेगा प्रेशर और इधर से भी प्रेशर लगेगा. दो प्रेशर ने कंसिडर किया कैलकुलेशन के लिए पी वन एंड पी टू, तो फोर्स कितना अप्लाई होगा टॉप वाले पे, तो फोर्स ऑन द टॉप ऑफ कॉलम, फोर्स ऑन द टॉप ऑफ कॉलम बॉटम प्रेशर लिख लेते हैं यहाँ पे, बॉटम प्रेशर
बॉटम पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा F2 equals to P2 multiply by A के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का फोर्स अप्लाई कर लिए कि F1 और F2 कितना होगा। चलो अब इसका कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने से पहले वेट देख लो कितना होगा, W। W इज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। W कोस्ट क्या होता है, ए एच रो जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिराइव किया, ए एच रो जी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, F2 लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, देखो अब देखो ये गाइस इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, P1 और W एक साथ मींस F1 और प्लस W इक्वल्स नीचे से ऊपर लग रहा है मींस F2 इक्वल होगा, अगर हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान समझो इस चीज को, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, W के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा W के इक्वल होगा। इसको शिफ्ट करो थोड़ा सा माइनस लेगा यहाँ पे, तो F2 माइनस F1 लिख दो, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू W। F2 और F1 अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था F2 हमारा P2 A के इक्वल था, माइनस कितना हो जाएगा P1 A के इक्वल हो जाएगा, और ये कितना था हमारा A H रो G के इक्वल था। यहाँ पे A कॉमन ले लेते, A अगर कॉमन ले लेंगे अंदर क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1, यहाँ पे क्या हो जाएगा A H रो G, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो G। ठीक है, तो मींस प्रेशर का डिफरेंस कितना है, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो G के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और यहाँ पे समझो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे P1, ये P1 ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ, मींस ऊपर P1 किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, ऊपर वाला जो ये वेसल है वो खुला हुआ है ऊपर की तरफ, बिल्कुल लिक्विड से टच है, तो वहां पे प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम लोग P1 को क्या लिख सकते हैं, PA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PA। तो P1 इज कंसिडर्ड टू बी एज PA इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा फॉर्मूला, P इसको P कंसिडर कर सकते हैं, P माइनस पी ए इक्वल्स टू एच रो जी, और वी से दैट P इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। ठीक है, ये कितना प्रेशर होगा, जो G के प्रेजेंस में इतना ही प्रेशर, कोई भी लिक्विड कॉलम अगर वाटर के अंदर रखा गया है तो इतना ही प्रेशर अप्लाई होगा। देयर P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच इज द हाइट, एंड रो इज द डेंसिटी, एंड जी इज द ग्रेविटी।